हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको जो डॉट वाला नेट होता है, ये देखिए इस तरीके का, उस सिर्फ 2 मीटर नेट में से हम आज आपको धोती सलवार बनाना बताएंगे, क्योंकि बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है और बहुत सारी कमेंट्स आ रही हैं इस चीज़ पे कि नेट की धोती सलवार बताइए, नेट की धोती सलवार। से मैंने बता रखी है शायद एक दो, लेकिन फिर भी मैं आपको फिर से बता, 2 मीटर हमने नेट, 2 मीटर अस्तर लिया है। ये जो अस्तर है ये हमारा कॉटन मिल में है, तो हम सबसे पहले अपने नेट पे कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम अस्तर पे कटिंग करेंगे। तो देखिए जो हमारा ये 2 मीटर नेट है, और देखिए इसमें से मैंने जो 2 मीटर नेट था उसमें से मैंने बेल्ट के लिए कपड़ा पहले ही अलग कर दिया है। थोड़ा बहुत कपड़ा इसमें से हमारा बचेगा, क्योंकि ये मैंने इस तरीके से कर लिया है ताकि हमें ज़्यादा ऊपर की साइड बचाना ना पड़े कपड़ा। तो देखिए कपड़े को मैंने 2 फोल्ड में किया, और 2 फोल्ड में करने के बाद इसको हम इस तरीके से तिकोना कर देंगे। ये देखिए मैंने इस तरीके से कर लिया है इसको, ताकि हमें इसमें से ज़्यादा कपड़ा ऊपर की साइड बचाना ना पड़े ऐसे। तो इसको हम इस तरीके से करके बिल्कुल बराबर कर लेंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं मैंने कपड़े को बिल्कुल बिछा लिया है, और हमारा थोड़ा बहुत कपड़ा बच रहा है ऊपर। अब यहाँ से हम सबसे पहले लंबाई देखेंगे। बहुत सारी कमेंट्स लंबाई के ऊपर आती हैं कि इसकी लंबाई हम किस तरीके से लें, तो वो चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले आप अपना आसन लीजिए, इस एक्स्ट्रा कपड़े को आप हटा दीजिए, यानी कि इससे आपको नहीं आया तो कट कर लीजिए, बाद में कट कर दीजिए। आसन लेंगे तो आसन जो हमारा होगा तैयार, वो हमारा होगा 14 इंच का तैयार आसन इसमें, क्योंकि हमारा जो बेल्ट है वो 7 इंच की बेल्ट होगी, उसमें 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे जो हम नेफे के लिए लेंगे, और 7.5 हम इसमें ले रहे हैं क्योंकि 7 इंच इसमें तैयार होगा, 1/2 इंच हमारा सिलाई में। तो हम यहाँ से 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और यहाँ से लेंगे हम 1 इंच, और इस 1 इंच को हम इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ से गोलाई कर देंगे। ये आसन हो गया। अब देखिए फिर उसके बाद हम मोहरी के लिए निशान लगाएंगे नीचे की साइड पे, फिर उसके बाद लंबाई देखेंगे हम। तो देखिए जैसे हमारी जो मोहरी है वो तैयार होगी 6 इंच, ठीक है, 6 इंच पे हम ऐसे एक निशान लगा देंगे, जितनी भी चौड़ी, वैसे 6 इंच से अब ज़्यादा कोई नहीं पहनता। अब देखेंगे लंबाई की, अब हमारी लंबाई कितनी है। तो अब देखिए हमारे पास आ रही है 25 इंच लंबाई, 26 के बराबर ही है ये। तो इसमें हमें ये 40 की सलवार तैयार करनी है, तो इसमें हमें थोड़ी सी बड़वा मोहरी लगानी होगी, जिससे इसकी लेंथ भी बढ़ेगी, और जैसे हम धोती सलवारों में देखते हैं झुकते हैं तो वो पीछे से उठ जाती है, यानी कि ऊंची हो जाती हैं, तो इस सलवार में हम आपको वो चीज़ भी बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, और अब उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको एक्स्ट्रा ऊपर कपड़ा दिख रहा है ये वाला, हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए जहाँ तक भी दिख रहा है वहाँ तक हम इसकी पूरे की कटिंग कर देंगे। तो देखिए मैंने ये पूरा कपड़ा कट कर दिया है ऊपर से। अब हम यहाँ से अपना आसन कट कर लेंगे। आसन कट हो गया, अब मोहरी को कट करेंगे। तो देखिए मोहरी को किस तरीके से कट करना है, जो इसमें तिकोना पन्ना है इसको नीचे की साइड ज़्यादा गहराई देनी है आपको, बंद वाली साइड से नीचे की साइड गहराई देंगे तो इसमें बिल्कुल भी तिकोनापन नहीं आएगा। ये देखिए इस तरीके से जितना हो सके नीचे की साइड गहराई लीजिए। अब उसके बाद देखिए कटिंग हो चुकी है यहाँ से, अभी इसको छेड़ना नहीं है क्योंकि हमें इसका अस्तर भी सेम कट करना होगा। अब देखिए यहाँ से ये जो कोना है यहाँ से 1.5 इंच ले लीजिए, या फिर आप 1 इंच, तो हम 1.5 इंच तक इस तरीके से इसको यहाँ से कट कर देंगे। ये सेंटर का होगा हमारा निशान। अब ये धोती सलवार कटी हो गई है, अब इसमें अभी छेड़ना नहीं है, पहले हम अस्तर बिछा लेंगे सेम ऐसे ही, क्योंकि इसकी कटिंग इतनी ही थी। एक बार दिखाई देती हूँ बड़ा करके भी। देखिए ये आसन हो गया, ये मोहरी हो गई, वो कोना हो गया सेंटर का। अब कपड़े को रख लेते हैं, अस्तर वाले को फिर कटिंग करेंगे। ये देखिए अस्तर को भी हमने सेम तरीके से बिछा लिया है। अब हम अपना नेट वाला पार्ट इसके ऊपर रखेंगे, और जब भी धोती सलवार बनाएं तो इसी तरीके से अस्तर इतना ही लेना है, क्योंकि कई बार देखती हूँ मैं कि लोग कैसे कैसे कट करते हैं, लेकिन ये सबसे परफेक्ट तरीका है आपको, जितना अस्तर उतनी लाइनिंग, उतनी नेट सॉरी।
तो देखिए हमने इस नेट को इस अस्तर के ऊपर इस तरीके से बिछा लिया है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको जैसे जैसे हमारा नेट कट हुआ है उसी तरीके से आपको ये नीचे वाला अस्तर भी कटिंग कर देना है। तो देखिए हमने जैसे जैसे अस्तर कट किया था, नेट कट किया था, सेम तरीके से मैंने अस्तर की कटिंग कर ली है। ये देखिए अस्तर इसके नीचे है, अब ये देखिए। और आप जब भी धोती सलवार बनाएं तो सेम तरीके से कटिंग करें, उसके बाद ही आपकी प्लेटें अच्छी आएंगी। अब इसकी हम बेल्ट कट करेंगे, जितना भी हमारे पास कपड़ा बचा है। अभी देखिए हमारी जो बेल्ट थी उसकी भी हमने कटिंग कर ली है। तो जिसकी लेंथ थी हमने ली है, जैसे तैयार हम 7 इंच रखेंगे, उसमें हमने 2 इंच ज़्यादा लिया है। और देखिए चौड़ाई हम इसकी 22 इंच रखने वाले हैं, तो हमें थोड़ा सा नेट में भी जोड़ना पड़ेगा और अपने अस्तर में भी। फिर उसके बाद इनको हम अटैच करके, और इसकी अब सिलाई बाकी रह गई है, और जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हम मोहरी वगैरह निकाल लेंगे। तो चलिए अब उसकी सिलाई करते हैं। ये देखिए हम अब इसको सिलेंगे। तो हमने क्या किया है कि अस्तर को नीचे रख लिया है और इसको सीधा करके रख लिया है, और पिन लगा ली है चारों तरफ को। अगर आपके पास ये पिन नहीं है तो आप पहले कच्चा कर लीजिए, उसके बाद अस्तर वाली सलवार बनाइए। अब हमको क्या करना होगा कि हमें इसके चारों तरफ सिलाइयाँ लगा के पहले इसे तैयार कर लेना है, फिर उसके बाद इसमें हम प्लेटें डालेंगे। देखिए जैसे हम अपनी यहाँ से ऊपर से ला रहे हैं, ऐसे ही जितने भी इसके खुले राउंड होंगे उनको हम सिल के ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। अभी देखिए हमने बेल्ट को भी तैयार कर लिया है, बेल्ट में हमने ज्वाइंट भी लगा लिया है, और देखिए नेट को और अस्तर को हमने अटैच कर लिया है। अब इनका हम सेंटर करके और इसे बीच से कट कर देंगे अलग अलग पार्ट में, यानी कि हमें ये 2 पार्ट चाहिए अलग अलग पैरों के लिए। तो ये सबसे ईजी हो जाता है, अगर आप इस तरीके से धोती सलवार बनाओगी तो आपको बहुत ही आसानी होगी। अब इनका हम एक सेंटर कर लेते हैं, जहाँ से हमारी प्लेटें आएंगी, यहाँ से कट लगा लेते हैं। अब ये हो गया सेंटर, ठीक है। अब हम अपनी प्लेटें डालना शुरू करेंगे, वो कैसे डालेंगे वो भी हम आपको भी बता देते हैं। तो देखिए अपनी बेल्ट को लीजिए और अपना एक पैर लीजिए। तो हमने इसको तैयार कर लिया है, नेट को भी और अस्तर को एकदम अटैच करके। तो देखिए हम अपने जो हमारा मोहरी वाला कपड़ा है, वो है हमारा सलवार वाला कपड़ा, उसको हम ऊपर रखेंगे सीधी साइड से, आसन वाली साइड से स्टार्ट करना है आपको। ये हमारी आसन वाली साइड है, और बेल्ट को हम रखेंगे इसके ऊपर उल्टा करके, इस तरीके से। ध्यान दीजिए इसको सीधा रखना है, इसको उल्टा रखना है। और देखिए जो हमारा ये वाला सेंटर है, ये वाला जो हमने 1.5 इंच पे लगाया था, उसकी हमारी सारी प्लेटें यहाँ तक आएंगी, जो हमने ये सेंटर में कट लगाया है, ठीक है। अब हम इसमें प्लेटें डालेंगे। तो प्लेटें हम किस तरीके से डालेंगे, पहले हम 1 इंच तक सीधी सिलाई लगाएंगे, यानी कि वहाँ हम एक भी प्लेट नहीं डालेंगे। ये हो गई हमारी 1 इंच की सिलाई। अब हम प्लेटों को डायरेक्शन अपनी साइड करेंगे, ये देखिए इस तरीके से प्लेट बना लेंगे। और प्लेट हमें इस तरीके से बनानी है कि जो हमारा जितना भी कपड़ा है वो पूरा इसमें सेट हो जाए, यानी कि ना ही कम पड़े ना ही ज़्यादा पड़े। प्लेट को ऐसे उठाना है और फिर ऐसे रखते हुए उसी सेंटर तक आपको इनको सिलना होगा। अभी देखिए हमने हमारा ये कट और वो जो हमारा 1/2 इंच वाला 1.5 इंच वाला कट था, वो आपस में मिल चुका है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ तक हम पहले इसको सिल लेंगे, और जो ये 1.5 इंच वाला कट है इसकी हम इस तरीके से छोटी छोटी प्लेट बना लेंगे ऐसे, यानी कि यहाँ से ऐसे प्लेट बना के और इसको यहाँ से हम सिलाई कर देंगे। अब देखिए अब जैसे हमने अभी अपनी साइड मुंह किया था प्लेटों का, अब जो इनका मुंह है वो मुझे उस साइड करना है, दूसरी डायरेक्शन में। ये देखिए इनका डायरेक्शन चेंज कर देंगे इस तरीके से, उनका मुंह अपनी साइड, इनका मुंह उस साइड। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। और वैसे मैंने अस्तर वाली सलवार बहुत सारी बता रखी हैं, आप देख लीजिए। फिर भी मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ये बनाई है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए हम इस तरीके से पूरे में प्लेट लगा के और इसको हम आसन तक ही तैयार करेंगे, और ये जितनी भी हमारी प्लेटें हैं वो हमें इतने कपड़े में ही लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने देखिए प्लेट डाल दी हैं, आप देख सकती हैं इनका डायरेक्शन कितना अच्छा आया है, इनका मुंह इनकी साइड और इनका मुंह आमने सामने। तो देखिए खुद ही देख लीजिए आप, इस तरीके से इनका लुक आया है। अब जैसे हमने आपको ये वाला पैर तैयार करना बताया है, जिसका दूसरा पैर है उसको सेम तैयार करना हम बताएंगे आपको।
तो देखिए हमने दूसरा पैर तैयार करेंगे, तो सेम हमको वही प्रोसेस करना है। पहले हमें नीचे इसको रखना है, उल्टी साइड बेल्ट को रखना है, 1 इंच तक सिलाई लगानी है और फिर से प्लेटें डालना शुरू कर देना है। फर्स्ट प्लेट का मुंह मेरी साइड होगा, सेकंड प्लेट का मुंह उस साइड होगा और हम प्लेटें डाल के अपना पूरा कंप्लीट करके फिर आपको हम इसका लुक दिखाएंगे और इसकी मोहरी बनाना बताएंगे, बड़वा मोहरी किस तरीके से बनाई जाती है। तो चलिए हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। अभी देखिए हमने अपने दोनों पैर तैयार कर लिए हैं, ये भी और ये भी। अब हम इनका आसन ज्वाइंट कर लेंगे एक साइड से, और एक साइड से आसन ज्वाइंट करने के बाद फिर हम इसकी बेल्ट तैयार करेंगे, यानी कि उसमें नेफा बनाएंगे। तो यहाँ पे हम एक सीधी सिलाई लगा देंगे दोनों आपस में आसन मिला के। अभी देखिए हमने एक साइड से आसन बंद कर लिया है, दूसरी साइड से हम सिलेंगे। तो यहाँ हम 1/2 इंच तक सिल देंगे, ठीक है। अब 1/2 इंच तक सिलने के बाद अब 1 इंच कपड़ा हम खाली छोड़ देंगे और फिर नीचे तक पूरे में सिलाई लगा देंगे, और सिलाई लगाने के बाद फिर इस सिलाई को हम साइडों में मोड़ के और नेफा बनाएंगे। अब देखिए हमने जो ये छोड़ा था धागा, इसको हम यहाँ से कट करेंगे इस साइड से और इस साइड से, और फिर ऐसे घुमा के इनको, और ये दोनों सिलाइयों को हम ऐसे ला के, और जैसे हम अपनी स्लिट फोल्ड करते हैं इसी तरीके से हम दोनों साइड को सिलाई लगा के फिर नेफे को बनाएंगे। अभी देखिए हमने ये नेफा बना लिया है। अब हम देखिए इस तरीके से करेंगे इसको, यहाँ से ऐसे फोल्ड और यहाँ से ऐसे फोल्ड, ठीक है। अब पूरे राउंड में सिलाई लगा देंगे। अभी देखिए हम मोहरी बनाएंगे इसमें, तो मोहरी के लिए हमने ये 4 इंच चौड़ी बुकरम ली है, 2 इंच हमें इसमें बढ़ाना होगा, यानी कि फोल्ड होके हमारा ये 2 इंच रह जाएगा। तो हमने ये अपनी मोहरी के बराबर ली है। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करके पहले हम एक सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। अभी देखिए हमने इसको सिल लिया है। अब हम अपनी मोहरी वाला पार्ट लेंगे, ये वाला। अब इसमें देखिए हमें किस तरीके से बढ़ाना है इसको, इसको ऐसे रख देंगे। अब ये दोनों हमारा आप देख सकते हैं, इसमें हमने बुकरम का यूज नहीं किया है, ये हमारा दोनों साइड से सेम है, क्योंकि हम इसे बड़वा मोहरी लगा रहे हैं जिससे लेंथ बढ़े, तो ये इसी को बड़वा मोहरी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इसको सीधी सिलाई लगा के तैयार कर देंगे। अभी देखिए हमने ये मोहरी लगा ली है, तो देखिए हमने ऊपर एक सिलाई लगा ली है और बाकी हम इसे ऐसे ही रखेंगे, हम इसमें कोई डिज़ाइन नहीं बनाएंगे और उल्टी साइड से इस तरीके से रहेगी। अब 6 इंच का मार्जिन रख के हम पूरे में सिलाई लगाएंगे। ये देखिए सलवार बन के तैयार हो चुकी है, आप देख सकती हैं फाइनल लुक। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये सलवार ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस सलवार को ख़रीदना चाहते हो तो stitching.com के नाम से वेबसाइट भी है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके ख़रीद सकते हो।